अवसर पर सभी पुंछवासियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और ये दिली तमन्ना करता हूं कि जो भी त्यौहार आता है वो हम सब लोगों के लिए खुशियां लाता है। उस दिन हम लोग माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उसकी हर घर में पूजा होती है, हर दुकान के अंदर पूजा होती है। लोग देर रात तक अपना घर खुला रखते हैं ताकि उनके ऊपर माता रानी की कृपा बरस रहे। लेकिन ये मैं आपको एक बात यहाँ पर आपको सुख से बताता हूँ, हमारे पूंछ की एक रवायत है, कोई भी त्यौहार हो, चाहे ईद हो, चाहे गुरुपुरब हो, बैसाखी हो, दिवाली हो, कोई भी हो, क्रिसमस का त्यौहार हो, हम सब लोग मिलजुल कर मनाते हैं। आज आपको देख रहे हो कि मुझे बुखार है, लेकिन मैं यहाँ पर आकर बैठा हूँ वो इसलिए कि लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, लोग मुबारक देने के लिए आ रहे हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं 5 दिन से बीमार था घर पर, लेकिन मैं सोचा कि लोग अगर मेरे घर में मेरे से मिलने के लिए आएंगे अच्छी बात है। उसके मौके पर मैं तमाम अहलान पुंछ को दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और उसके बाद जो ये त्यौहार है यहाँ पे मिलजुल के मनाया जाता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब त्यौहार को जो मिलजुल के मनाते हैं, कोई भी त्यौहार हो यहाँ पे मिलजुल के मनाया जाता है। तो मैं यही अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि जो हमारे पुंछ में है भाईचारा और अमन शांति जो है बनी रहे। आज दिवाली के मौके पे मैं तमाम अहले वतन को, बिलखसूस हमारे पुंछ की आवाम को मैं दिवाली की मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन भाईचारा कायम करे रहे। और जैसा कि हमने देखा होगा कुछ में गुलदस्ता हिंदू मुस्लिम सिख के साथ जो हमेशा कायम रहा है, तो आज की मिसाल आप देख रहे हो यहाँ हर किस्म मजहब के लोग यहाँ चहल पहले बाजारों में रौनक है। तो यही दुआ करेंगे इंशाल्लाह हमारे मुल्क में हमारे कुछ में भाईचारा कायम रहे।